ओकरा अभी लेते नहीं। अच्छा तो हम कहेंगे हमरा के बनाइले बराए छी हम भेज तनी कोना के जो ना कोनो एगो जासना चल चल रंजन हमार जो यहां मुख अतिथि जब आ जाओ हमार मुख अतिथि है जाना मुकुल हो गया ये खा रहा आज के जो हमारे मुख अतिथि भगवानपुर के रमेश सिंह जी जो की आज हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि है वो हमारे हम लोग के मंच पर उपस्थित है और ये मैच यह पूरा मैच स्वर्गीय श्री मधु सिन्हा के नाम पर खिलाया जा रहा है जो कि इतने कम उम्र में अपना छाप छोड़ चुके हैं भगवानपुर में भगवानपुर ही नहीं विश्व पंचायत में अपना छाप छोड़ चुके हैं मात्र 22 वर्ष का लड़का मधु सिन्हा जो अपने छाप को छोड़ चुका है वो हमेशा के लिए आज उस मैच को देखें और यही मैच नहीं ये लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच है इसके बाद दो मैच यानी दो सेमीफाइनल और एक फाइनल इस फाइनल का तारीख है 31 दिसंबर को सुनना है बहुत क्लियर हम ना रहम अरे देख है क्लियर हम कहू ना रहे तो का भेजवा देलियो तू जात अपना काम से ए प्रियंशु प्रियंशु रख दो बीच में और हमारे दोनों श्यामी बल्लेबाज बाकी स्टोरी पड़े तो हम ही लेकर हमारे सुनहरी पंचायत के बॉलर धनंदर जी बैट्समैन के है इनको भी लग रहा है आओ भाई के सूरज तारे नाम अच्छा लगा रहा पति बाग रे धर लगा हम ना लगा देख देख नीचे जा कबो इंच दिन नहीं बैठ से हां हां बैठ से यार हुआ कमेंटेटर कौन है पूछ तो नहीं का नाम हम तो भी बोल रहे हैं खराब होता है धर ना लगा ना लगा लगा धर सीधा पहले करना है ना लगा लिए वो यहां यहां सही है अजीत बीच में तनी और हेने उठा के लिया 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 यार हमें कमेंट में बड़ा दे बोलिए लो अरे आउट हैने रख ना रे कीपर लगे एकदम नजदीक आ सुन ना बताओ तुम प्रियल के अथी प्रियांश के करियो ऐसे बॉलर बॉलर बा हमें तो नहीं है हमें पावे बॉलर ठीक बा तो जो ना जाई नु जो ना जाई तो सब न्यूज़ ना आई भाई ए सुनील सिंह होंगे हां सुनील सिंह होंगे करे ए बैट्समैन नेम खाली सुनील की सिंह यादव
क्या रे लाइव चलावत इन फील्ड में रुक हम सेट करते हैं आ बाप ए इते तने ईटा उटा तो ना है ने का माइक हेलो मैं क्षमा चाहूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है लाइन अपने हाथ में नहीं है लाइन कटती रहती है हट भाई रुक ना हां भाई और ये तो नीचे करे के बहेंगो ससुराल का एक विकेट गिर चुका है लगता आप सही होता टी को भर्ती समाप्ति पर ये क्या कहने को मई है और कुछ नहीं रुक रुक ढीला कर है कॉस नॉट और बहुत ही सुंदर खेलन के लेकिन कदम पीछे होते गुलिया उखड़ चुकी होती बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग का नजारा पहला बॉल का भैया और विश्वास है ये दोनों टीमें अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी बहुत सुंदर गेंद तेरा पापा का फोन आता हो क्या करी फ्लाइट मोड में डाल दिया हमारे लोकल हमारे दोनों ही टीमें हैं या ठाकर मारेगा 6 रन के लिए कोई रुकावट नहीं कोई अचल नहीं सीधे 6 रन के लिए ससुराल का टीम ये दशा रही बहुत सुंदर बॉलर चले और मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि कैमरे पे सीधे जाकर कैमरे पे बॉल टकराई है निश्चित वह 4 रन होती इसलिए अंपायर का डिसीजन बहुत सुंदर अंपायरिंग का डिसीजन 4 रन के लिए ये सबके लिए होगा केवल आप लोगों के लिए नहीं सबके लिए होगा बॉल कैमरे पर डायरेक्ट कैमरे पर टकराई है बहुत सुंदर 6 रन के लिए एक और छक्का एक छक्का एक चौका फिर एक छक्का दो ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन एक विकेट के नुकसान पर ससुराल दो ओवर की समाप्ति पर 33 रन एक विकेट के नुकसान पर ससुराल सामना करेंगे सुनील बॉलिंग पर धर्मेंद्र धर्मेंद्र चौधरी चले और सीधे उठाकर फोटो बना कर मारा 6 रन के लिए धर्मेंद्र चले और फिर से मारना चाहते थे और ये चार अच्छे प्लेयर हेलो अच्छे प्लेयर मुंह से अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है बल्ले से दिखाता है बैट से दिखाता है वही सुनील कर रहे हैं बहुत सुंदर गेंद कोई भी अच्छा प्लेयर अपना परिचय बैट से या फिर बॉलिंग से ग्राउंड में देता है और भाग और अरे ये देखना है क्या है और सीधे 6 रन Thank you.
मधुसूदन क्रिकेट टूर्नामेंट का यह तीसरा लीग मैच। और सॉरी चौथा लीग मैच यहां से आज का टीम सुनहानी भरते ससुराओं के बीच। यहां कौन जीतता है, कौन सिकंदर बनता है, कौन बादशाह बनता है, यहां से सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी टीम। जो यहां से जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। दोनों जबरदस्त टीम ससुराओं और सुनहानी दोनों एक साथ ही खेलती है, लेकिन पंचायतवाज पंचायती का चुनाव है, पंचायती स्तर पर टूर्नामेंट हो रहा है, इसीलिए सभी टीमें अपने अपनी पंचायत से ही खेल रहे हैं। सुनहानी अपनी पंचायत से खेल रहा है, मोहम्मदपुर कल हार गया था वो भी अपनी पंचायत से खेल रहा है, ब्रह्मस्थान अपनी पंचायत से खेल रहा था, आज ससुराओं और सुनहानी अपने अपनी पंचायत से खेल रहे हैं। तीन ओवर 49 रन और एक विकेट ने गंवाया है। बॉलर नाम बता दीजिएगा, बॉलर नाम और सीधे पॉइंट में 6 रन। तीन गेंदा एक रन 55 तीन गेंदा एक तीन ओवर तीन ओवर एक गेंद 55 रन। और बॉलर चले बहुत सुंदर लेकिन पॉइंट के दिशा में उठा और ये एक विकेट का पतन होता हुआ। बहुत निराश बैट्समैन, बहुत निराश शायद सोच रहे थे कि बेकार हमने यह शॉट को खेल दिया। ये शायद शॉट मुझे नहीं खेलनी चाहिए थी, क्योंकि वहां सुनहानी पंचायत के शतक मार के कैप्टन ने तीन तीन फील्डर लगा रखे थे। शायद वो बहुत अच्छी खेल रहे थे, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, वो सोचे कि सोच रहे होंगे कि मैं बेकार इसको खेल दिया। अभी तो ससुराओं की टीम जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही है, 14 ओवर खेल गई तो 200 के आंकड़े पार हो गए। लेकिन ये खेल निश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, जब तक एक गेंद नहीं पड़ती है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत ही अच्छी सूरज ने गेंदबाजी की, सॉरी सोनू ने आते ही एक विकेट झटके, शायद एम्पायर ने उन्हें बुलाया कि भैया सोनू जी आइए, आप आइए, यहाँ विकेट की कमी है। उन्होंने एक विकेट सुनहानी के खाते में डाला, जो कि अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे बैट्समैन। बहुत सुंदर गेंद कुणाल ने देखा परखा और उसे करकर बल्ले को हटाया। अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं कुणाल, मैंने एक दो मैचों में उनकी बल्लेबाजी देखी है, बहुत शुद्ध रूप से खेलते हैं, कोई हबराई नहीं रहती है उनकी। और उसी तरह उठा दिया और सीधे फील्डर के हाथ में कुणाल, बहुत निराश होकर अपनी विकेट को गंवाते हुए पवेलियन लौट रहे हैं। देखो हमारा लाइव चलाने का इतर तीन विकेट गंवा चुकी है ससुराओं की टीम। ना जाने लोगों ने कैसी हड़बड़ी लगी, इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं, हर वक्त दरबार में सब काम खराब होता है। अरे अभी बहुत से ओवर बाकी है, सभी गेंद को हिट करना कोई जरूरी थोड़ी है। अरे अच्छे क्लियर है, अच्छे पर्चे दीजिए।
और ये वाइट दोनों ही हमने हरान को दिल मात्र 56 रन जो कि अभी एक वाइट के रूप में आया है। और गेंदबाज चले बॉलर चले बहुत सुंदर गेंदबाजी उतने ही अच्छी बैटिंग देखा परखा और आराम से और थोड़ा सा बैट्समैन हड़बड़ा गए थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने कॉल किया वो चाहते थे कि ले कि ना ले ले कि ना ले इसी में हड़बड़ा गए थे शायद विकेट भी गंवाना पड़ जाता। और एक पावर फील्ड का डिसीजन आता हुआ तीन ओवर चार ओवर 57 रन और तीन विकेट ससुराल के मैं सुरेंद्र पटेल आप सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। भगवानपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड में आज ससुराल और सनहानी के बीच यह मैच खेला जा रहा है। रोक दो ना भेजम रहे तरमाई का बूढ़ में घुस जाए। चार ओवर के बाद 57 रन और तीन विकेट गवा चुकी है ससुराल की टीम ने। ओ बहुत सुंदर गेंद उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी और हाँ ना में हाँ एक रन ही चुरा लिए नजरों ही नजरों से एक रन चुरा लिए बहुत अच्छी फुर्ती दिखाते हैं सुनील कट मोटा है लेकिन बहुत ही अच्छी फुर्ती दिखाते हैं रन चुराने में तो माहिर है। फील्डर वही रह जाएगा देखते रह जाएगा लेकिन यह रन चुरा लेते हैं। और धर्मेंद्र चले बहुत सुंदर अच्छे बैट्समैन का परिचय देते हुए सुनील ओवर अभी बहुत बाकी है इतमान से खेले तभी कोई दिक्कत नहीं होगी जिस तरह की रन औसत है और घड़ी घड़ी एक चक्का चौका छक्का लगता रहे। ओ बहुत सुंदर सुनिए शायद सुनील ने हमारी बातों को सुन लिया था कि बोल रहे हैं कि घड़ी घड़ी चौका और छक्का लगना चाहिए। धर्मेंद्र चले उठा कर मांगना चाहते थे बॉलर की सर के ऊपर से उठा कर मांगना चाहते थे लेकिन बीच में बहुत सुंदर गेंदबाजी अभी तक तो रन बननी चाहिए उस तरह बनी नहीं है सुनहानी पंचायत के कैप्टन ने बांध कर रखा है ससुराल पंचायत के बैट्समैन को और फिर से एक बार उठाकर मारा है कल जो हमने मैच को देखा था बुधरा और मोहम्मदपुर के बीच और गेंदबाज चले सिंगल फील्डर के हाथों में गेंद गई एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। हाँ तो मैं बता दूं कल बुधरा और मोहम्मदपुर के बीच हमने जो फर्स्ट इनिंग देखी थी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी मोहम्मदपुर की टीम से हमें लगा था कि 200 के पार कर जाएगी लेकिन वही जब मुझे पता चला मैं तो चला गया पता चला कि मोहम्मदपुर की टीम हार गई
तो हम तो सोच रहे पड़ गए कि भाई जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी मोहम्मदपुर की तरफ से, क्या हो गया कि मोहम्मदपुर की टीम हार गई। लेकिन यह खेल है, चलेगा तो एक ही चल जाएगा, नहीं चलेगा तो 11 पवेलियन लौट कर चला जाएगा। सुनो चले और उठा तो मारा है सुनी, बहुत सुंदर खेल रन कर जो कि सतराव टीम के कैप्टन हैं, कैप्टन पारी तो खेल खेल ही रहे हैं। बहुत सुंदर गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा, दो फील्डर टकराए। मैं डिसीजन जानना चाहूंगा, दो रन दोनों टकरा के मोड़ गया सैके में। बहुत अच्छी फील्डिंग, और गेंदबाज चले और फिर एक बार सीधे 6 रन के लिए। हेलो, इसी को कहते हैं कप्तानी पारी। जब टीम संकट में हो तो कैप्टन को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एकासी रन, 3 विकेट, 5.3 ओवर पर। और फिर एक बार 4 रन के लिए। आप लोग पीछे हट जाए, वहां हमारे काका लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पीछे हट जाए, आप लोग पीछे जाइए, नहीं तो फिल्डर आप लोग के शरीर पर गिर जाएगा तो शायद अपना आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। बहुत सुंदर गेंद, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी। सोनू जो कि बहुत ही अच्छी सुनहानी टीम से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आते ही 1 विकेट को झटके। बहुत सुंदर गेंद, देखते ही रह गए सुनील। और सुनील जो कि ससुराल पंचायत के कैप्टन हैं, इसी को कहते हैं कप्तानी पारी। कैप्टन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? कैप्टन का मतलब होता है कप को टांग, उसी को कहते हैं कैप्टन। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं एक क्रिकेटर रह चुका हूं इसीलिए इस बात को आप लोगों को बताता हूं, कैप्टन का मतलब होता है कप को टांग। और वही सुनील कर रहे हैं। और ये वाइड ओवर, बल्लेबाज ने सोचा इसको सही छलांग लगाकर मार दे। बॉलर ने दिया विकास 86 रन, 3 विकेट, 6 ओवर, 1 बॉल। और गेंदबाज चले और उठाकर खेला है और सीधे फील्डर के हाथ में। बहुत ही सुंदर, वाह
दोनों टीमों का जवाब नहीं। हेलो हेलो कौन बोला हूँ, देवा की बजाते रहो। वाह क्या बात है, दोनों टीमें बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, दोनों टीमें का प्रदर्शन बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। भैया पूछिए क्यों, रन भी बन रहा है और विकेट भी गिर रहा है, इसी को कहते हैं खेल, रन भी बन रहा है और विकेट भी गिर रहा है। बॉलर चले और ये बहुत सुंदर डिसीजन आउट, बहुत बड़ी झटका लगा सचना टीम को, बहुत बड़ा झटका हमारे उप कप्तान जो सचना के उप कप्तान है, थोड़ा सा निराश होकर पगड़ी में लौटे हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमने क्यों बल्ला लगा दिया, शायद हमें बल्ला बैट्समैन ने थोड़ा बता दीजिए। शशांकपुर कैप्टन को इस तरह से आशा नहीं थी, जब ग्राउंड पे उतरे थे तो मुझे लगा कि दोनों कैप्टन कुछ कर दिखाएंगे इस ग्राउंड पर, लेकिन वो भी और विकास विकास जो बड़ी चुस्ती से गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद अभी हमारे स्कोरर महोदय ने बताया कि विकास हैट्रिक पर है, एक गेंद वाइड होने के बाद भी हैट्रिक पर है विकास, और विकास की गेंद को उठाता हुआ है और कैच मिस, हैट्रिक विकेट और कैच मिस। शायद विकास सोच रहे हो कि अगर यह कैच हो जाता तो हमें हैट्रिक विकेट मिल जाती, और इजी कैच टपका दिए अजय सोनी ने, और अजय सोनी ने जैसे लगा कि कोई साधारण मैच खेल रहे हैं इसी तरह कैच को लपकाया, शायद आप लोगों ने नहीं सुना है कैच छोड़ो और मैच छोड़ो, अभी तक तो भगवान ससराव की ओर से साथ ही दे रहे हैं, और फिर से उठा कर मारा है सीधे छह रन के लिए। हेलो अजय सोनी ने कैच को छोड़ा, कहीं ना कहीं इसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ जाएगा सुनहानी टीम को, 97 रन 5 ओवर। और बहुत ही सुंदर और छोड़ा सात ओवर 5 विकेट और 103 रन।
सात ओवर 5 विकेट और 103 रन। बहुत सुंदर बैटिंग देखने को यहाँ मिल रहा है। हमारे शशांक टीम के कुछ प्लेयर ऐसे थे जो हड़बड़ा कर अपना विकेट गंवा कर चले आए, नहीं तो जिस तरह का कैप्टन अपने पारी को संभाल रहे हैं, अगर उनका साथ देने वाला कोई होता तो आज स्कोर 230 या 35 के ऊपर चली गई होती। अभी अभी के अभी 150 होता। बॉलर ने अभिषेक सोनी, ओ अभिषेक अभिषेक सोनी कैच लिए लेकिन बाउंड्री पर जाकर कैच लिए। हेलो हेलो और अभिषेक चले गेंद व्हाइट जा रही थी, बैट्समैन ने उसको छेड़ा और व्हाइट का काम खत्म। फिर से चले और फिर से हमने आपको पहले ही बताया था कि व्हाइट गेंद को छेड़े थे इसलिए व्हाइट नहीं मिला था, एक रन का घट गया था लेकिन फिर व्हाइट। क्योंकि हम भी तो कुछ इंपायरिंग करा चुके हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन गेंद वाइड है और कौन गेंद नो बॉल है। और बॉलर चले फुल पेस गेंद और हमारे स्कोरर महोदय ने बताया 21 गेंद पर 49 रन बनाकर खेल रहे हैं हमारे सोनू। 21 गेंद पर 49 रन बनाकर खेल रहे हैं हमारे सोनू जो कि ससनाव पंचायत के कैप्टन हैं। और सीधे 4 रन के लिए। अरे छोड़ा ना, मत बजाओ, काहे को बजाओ, तरह हमारे को डिस्टर्ब होता है। हाँ। और इनका और शतक पूरा 22 बॉल में, केवल 22 बॉल में 53 रन बनाए हैं, 5 छक्का और 5 चौके की मदद से 22 गेंद में और शतक पूरा किए, 240 रन के रन स्ट्राइक रेट थे। बहुत बढ़िया, मैं इस बल्लेबाज को धन्यवाद देता हूँ अपने तरफ से। और उठा कर मारा है सुनील, देखना है क्या होता है। और तीन और ये एम्पायर का डिसीजन 4 रन। हड़बड़ और गड़बड़ में 4 रन, स्कोर 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और बॉलर चले फिर से एक बार ग्राउंड शॉट और वहां फील्डर चौका है या क्या है बताएंगे एम्पायर महोदय? ए बतावा। एक रन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है सुनील की तरफ से, शशनाव टीम के कैप्टन जो हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत जो कहा जाए, अगर ये आउट हो गए होते तो साइड पवेलियन लौट चुकी होती इनकी टीम, यही कैप्टन का मतलब है। तो और ये अपना एक विकेट गंवाए शशनाव, स्लिप में अपना विकेट गिरा चुके ससुराल।
छह विकेट। भाई बैट्समैन नेम एक शत 13 रन 6 विकेट 8 ओवर 6 विकेट एक शत 13 रन 6 विकेट 8 ओवर का बोतल दे दिया जाए। हेलो हेलो रुक जाइए पानी आ रहा है। अरे आपको नहीं बोला जा रहा है, बॉलर को हम नहीं बोला है। बॉलर अपना काम कीजिए और बैट्समैन अपना काम कीजिए। बहुत सुंदर गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी। सुनील ने देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। पानी आवा था, बॉलर चले ओ। बहुत सुंदर विकेट कीपिंग का परिचय देते हुए कैप्टन, जो शुभानी पंचायत के कैप्टन है अजहर। हमें तो याद पड़ गया, हम अपने जमाने में नैन मुनिया को देखा करते थे इस तरह का विकेट कीपिंग करते हुए। और स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नौवा ओवर प्रगति पे है और बॉलर चले। और मारना चाहते थे सुनील, लेकिन गेंद वहीं पर आ गई। अच्छे अच्छी गेंदबाजी हो रही है सुनहानी की तरफ से, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लगातार 4 बॉट करा चुके हैं। बॉलर विकास। हेलो विकास चले। हेलो 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 जा है से खेल ला खेला सब पूरा। मैं बैट्समैन नेम है और सुनील का हेलो 7 विकेट। बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे सुनील और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौटे। मैं स्कोर जानना चाहूंगा स्कोर महोदय से। पानी थोड़ा भिजवा दिया जाए। मैं बैट्समैन अंकित सुनील के जगह पर सुनील का भरपाया करने के लिए आए हैं। क्या कुछ कर सकते हैं सुनील के आने जाने के बाद। 7 ओवर की समाप्ति।
9 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट 113 रन। अरे ट्रेन से उतर आउट हो गया, बहुत सुंदर जिस तरह से एम्पायर इसके पहले जो बॉलर बॉलिंग किए थे बहुत सुंदर। 4 डॉट बॉल 1 विकेट। देखिए ये 16 ओवर का गेम कितना किफायती गेंदबाजी किए बॉलर ने। बहुत सुंदर गेंद, उतनी ही अच्छी बैटिंग का नजारा यहाँ भगवानपुर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में देखने को मिला है। हाँ तो मैं बताना चाहूंगा इसके पहले जो गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, देखिए कि ये 2020 मैच यानी कि 16 ओवर का मैच हो रहा है, 16 ओवर में एक गेंद अगर डॉट जाती है तो सॉरी 14 ओवर का मैच हो रहा है, एक गेंद डेट जाती है तो एक गेंद से जीत हार होता है, लेकिन यहाँ 4 डॉट बॉल 1 विकेट गवाए। फिर से चले और फिर से दिशा से भटके बॉलर और व्हाइट एम्पायर ने अपने दोनों दाहिने को फहराया, हमें पता चल गया कि यह शायद एम्पायर व्हाइट है। बॉलर चले शायद बार बार अपने दिशा से भटक रहे हैं, फिर हुआ और एम्पायर भी थोड़ा सा भी झिझक नहीं करते हैं, अपने दोनों बैने को उठा लेते हैं। और एक बार फिर से फुल टॉस बनाकर खेला और ये नो बॉल। और ये नो बॉल का डिसीजन थ्री हिट, सही डिसीजन, सही एम्पायरिंग, बहुत सुंदर एम्पायरिंग का नजारा दीपू सिंह के तरफ। और ये थ्री हिट में और थ्री हिट का फायदा उठाते हुए सीधे बाउंड्री लाइन पे 4 रन और 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पे, 10वां ओवर प्रगति पे। सबको अपन बोलत रहिए हमरा के जोन काम पा करे था। और बॉलर चले फिर से उठाकर मारा, फिर से 4 रन सुनहानी टीम के प्लेयर सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, किधर बॉलर लगाएं किधर फील्डर लगाएं। शायद कैप्टन कुछ मायूस, सुनहानी पंचायत के कैप्टन कुछ मायूस, ये क्या हो रहा है, कोई कैच छोड़ रहा है तो कोई फील्डिंग छोड़ रहा है। साइड बॉलर को कुछ दिक्कत हो रही है, और एक बार फिर से बॉलर चले। ओ बहुत सुंदर गेंद, एक 126 रन 7 विकेट, विकेट तो सुशांत पंचायत ने गवाए हैं लेकिन रन भी बटोर बटोरे हैं।
ये तो कहा जाएगा भाई, विकेट गवाए हैं लेकिन रन को बटोरे हैं। फिर से एक बार व्हाइट एम्पायर ने अपने दोनों डायने को उठाया। फिर से एक बार चले बॉलर, चले बैट्समैन के लिए, बार बार व्हाइट, ये इनका चौथा व्हाइट है, इस ओवर का इनका चौथा व्हाइट। छोटे कप के खिलाड़ी हैं, चाहते हैं बॉलर को टाप दिया जाए, टर्न कराया जाए, और इस ओवर में 14 रन दे चुके हैं। और उसी को बैट्समैन ने समझा कि ये बार बार वाइड ही लेकर इसे प्रहार किया जाए और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के। इस ओवर में 18 रन दे चुके हैं, 10 ओवर में 132 रन और 7 विकेट के नुकसान पर। हाँ तो मैं बोला था ससुराव पंचायत ने तो विकेट गवाए हैं लेकिन रन भी बटोरे हैं, अच्छी खासी। आओ ना कर दे, का यार 150 रन आप पूछे कि ना सुन भैया। हेलो हेलो, मैं माफी, हेलो हेलो ए, ये सब अपने होम खेलती है मैं। हेलो हेलो हाँ भैया जी, अरे मैच होता संदानी भर से सांसरा का कर दो, ये तो बड़ी आगे कर दिया 136 रन लाग गए साथे हो। हाँ तो देख लो दे, हाँ देखा फिर आई चौका लाइव लाइव में देखा तर आए रहो हवा अभी है दे और जाए यार अब यार कहाँ लिख लिया बरा हो एक और फैन होगा और यार और फैन होगा। हाँ हाँ देखा ही क्या कर रहे हवा लाइव में। हाँ देखा है बोल चल बार हाँ हाँ के कौन ना 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 उन लगता देखा ना है दे दे सॉन्ग में जो है देख बॉलर बारा लक्ष्मण भी आए अदो जॉय सुनी अदो कल्ला मार छाका
देखा हम की रहने में सन्मा जो हाँ और मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा माइक में डिस्टर्ब हुए तीन वो सुनार और यहाँ से मैं आप लोगों को लिखने के लिए चलता हूँ भगवान पूरे स्टेडियम में यहाँ की सचनाओं भर से सुनानी के बीच मैच हो रहा है एक सौ 45 रन पर 7 विकेट 11 ओवर की समाप्ति पे ना सुनो ना डोनोवा खिलाओ तो ना मैं कहना खिलाओ तो माइक कमेंटेटर शिवेंद्र पटेल आप सभी तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं इस भगवानपुर के ऐतिहासिक पवन पवित्र धरती पर आए सभी खेल प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और बॉलर चले और उठा कर मारना चाहते थे पॉइंट की दिशा में मारना चाहते थे लेकिन बीच हुए बहुत सुंदर गेंदबाजी का नजारा उतनी ही अच्छी यहाँ बैटिंग भी देखने को मिली है शशांक की ओर से विकेट तो गिरे हैं शशांक के लेकिन रन भी बने हैं और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी भी सुहानी पंचायत की ओर से हो रही है और सीधे उठाकर पॉइंट पे मारा 6 रन के लिए वाह वाह सीधे हमारे कलेक्टर भैया के छत पर जाता हुआ ये छक्का और ससुराओं का रन बढ़ता हुआ 151 रन 7 विकेट के नुकसान पर ब्राह्मण ओवर प्रगति पर और ये नो बॉल का डिसीजन दोनों एम्पायर ने अपने उंगलियां उठाई नो बॉल का डिसीजन देखा जाएगा यह फ्री हिट होता है और यह फ्री हिट का डिसीजन दोनों एम्पायर के तरफ से थ्री हिट का डिसीजन और बाल बाल बचे थे यहां पे बैट्समैन लेकिन उससे पहले नो बॉल का उंगलियां उठ चुकी थी अच्छी एम्पायरिंग और थ्री हिट का फायदा बैट्समैन नहीं उठा पाए क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी जब हो रही है तो किसी भी बैट्समैन को थ्री हिट का फायदा बहुत से समय को उठाना ही पड़ेगा और गेंदबाज चले बहुत सुंदर गेंद सीधे विकेट कीपर के क्लब में समाती हुई और फिर एक बार गेंदबाज चले और सीधे उठाकर मारा है और देखना है यह फील्डर वहां पे मौजूद फील्डर के हाथ से गेंद छटकी और एक रन का इजाफा एक 154 रन 7 विकेट ब्रह्मा ओवर प्रगति पे बॉलर चले बहुत सुंदर गेंद मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है दोनों बैट्समैन बहुत सूझबूझ के साथ अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब ज्यादा ओवर बचा नहीं है और ज्यादा बैट्समैन बचे नहीं है हम ही दोनों आदमी को कुछ करना है ससुराल के लिए और मैं अभी तक दोनों टीमों में खासियत देखी है यही खासियत होनी चाहिए अच्छे प्लेयर की यही निशानी है जो कि अपना परिचय जुबान से नहीं हाथ से नहीं अपना परिचय दिखाना है
तो बल्ले से दिखाइए और बॉलर को अपने गेंद से दिखाना चाहिए, यही अच्छे। और एक बार फिरते चले बॉलर, चल 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 बोलिया सन का मांगे और ये आउट। अंकित अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वह पवेलियन लौटते हुए आठ विकेट गंवा चुकी है ससुराल की टीम। विशाल भैया तार गोल और हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि सुंदर भैया अभी जो गए हैं वही कैप्टन हैं। अब विशाल मेहता का था भाई को भी हम लोग अब कैप्टन ही मानते हैं। देखा मुंह ना चला और जरा इकल जो कैच 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 ओ बाल बाल बचे फील्डर के हाथ से गेंद छिटकी और सीधे चार रन थर्ड मैन की ओर से चार रन। दोनों फील्डर मौजूद, दोनों फील्डर के हाथ में आकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। सोनी छोड़ते हुए चौका, विशाल सोनी छोड़ते हुए चौका। देखा फील्डर, मैं कैप्टन के बारे में बता रहा था, कैप्टन सभी होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर भी कैप्टन होते हैं क्योंकि वो सभी 11 प्लेयर समझते हैं कि मैं खुद मैच को जीता हूं और 11 लोग ही मैच को जिताते हैं। और फिर से बनाकर मारा फिर एक बार और ये नो बॉल का डिसीजन आता हुआ एम्पायर से, नो बॉल का डिसीजन, जो ही गेंद पटकी पिच पर उसी तरह एम्पायर ने नो बॉल का डिसीजन दिया। बहुत बढ़िया एम्पायरिंग का डिसीजन, काबिले तारीफ, यही होनी चाहिए। और ये फ्री हिट, फ्री हिट में और फिर से एक बार वाइट। ए ये रे तू बॉल करा जा, मुंह दिखाओ पहले। अभी भी फ्री हिट बाकी, शायद बॉलर डर गए हैं फ्री हिट में कहीं छक्का ना लग जाए, ना हो जाए। बॉलर चले फिर से वाइट, वाह फ्री हिट में दो हुआ है। ये ससुराल की बहुत जोर से प्यास लग रहा है, कहे या सुनहरी की है। जरा से पहले दो को बोतल का पानी ले ले, ये तो ससुराल के लिए अच्छी ही बात है, जितने भी वाइट मिल जाए फ्री हिट तो अभी बाकी है। और ये फ्री हिट का फायदा, लेकिन इसे कैच नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्री हिट में केवल रन आउट ही दिया जाता है। मैं तमाम दर्शकों से बता देना चाहता हूं 162 रन 8 विकेट के नुकसान पर सिरावा ओवर प्रगति कर बॉलर चले और उठाकर मारा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। फ्री हिट का तो फायदा नहीं उठाया लेकिन फ्री हिट के बाद सीधे 6 रन, गेंद को भेजते हुए बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। एक 168 रन 8 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पे। और यहां से मात्र आठ गेंद बची हुई है, 8 गेंद में ससुराल क्या कुछ कर पाता है, कितने अपनी झोली में बटोर लेगा केवल 8 गेंद में, ये समय ही बताएगी। और फिर एक बार नो बॉल, नो बॉल और ससुराल को मिलता हुआ एक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और बाई के रूप में
ये फ्री में दे दी अरे हो जाए पूछी अरे पांच राउंड सुनील का है बचन भरा निके जानता नहीं भाई इतना बचन युग हमने के फुल मालूम अभी पांच राउंड है और ये फिर वाइट काफी खराब गेंदबाजी होते हुए सोनानी पंचायत से ये तो ससुराल के लिए बहुत भाग्यपूर्ण बात है 2.4 ओवर में अभिषेक सोनी 49 रन और तो सोनी चले और ये फ्री हिट मिस करते हुए बैट्समैन यहां से कहा जाए कहा था कि सोने पर सुहागा ससुराल टीम को सोने पर सुहागा मिल रही है अभिषेक सोनी 9 गेंद कर चुके हैं अब फिर से एक बार वाइड चिल्लाओ 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 ये बॉलर के तीनों पर ना कराएला है हम बॉलर चले तो फिर से वाइड फिर से वाइड का डिसीजन आता हुआ हेलो चलिए बॉलर चले और उठा तो मारा सीधे 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर सीधे 4 रन अभिषेक हेलो हेलो और हमारे ये छोटे कद के बॉलर इन पर कोई टिप्पणी टिप्पणी न करे क्योंकि अभी युवा है अभी सीख रहे हैं ओवर 8 विकेट पर 180 रन वाह विकेट गिरे तो गिरे लेकिन रन तो बने हेलो यहां से मात्र 6 गेंद आनी शेष ससुराल तो झोली में हेलो हेलो ससुराल की झोली में 6 रन में क्या जाएगा लास्ट गेंद हेलो हेलो लास्ट गेंद पढ़ने के बाद और बॉलर चले बहुत सुंदर गेंदबाजी देखा विशाल भैया बॉलर चले हेलो हेलो वो हमने पिए मात्र 4 गेंद शेष चल फारे को पियल जा खोलिन खोल 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 हेलो हेलो मारे जा बजा हेलो 180 रन भइल पर हेलो अतन हेकरा के घर में जा हेलो सीधे सीधे 4 रन
चार रन। अच्छा हाँ पिच वाला हम कहीं साला बाई में चार 150। हेलो 150 रन खुल गई बा जो 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 ना देख आओ एगो उनका खातिर रख ले रहे मार मारे मार बहुत बस याद नहीं ऐसा बुझा बुझा तो आप उनका तला एक सौ 87 रन 8 विकेट के नुकसान पर और ये 4 रन लार बच तो छोड़ देता है ये पीछे लगाओ ना इस तरह का उत्साह है ये को छोड़ दो उत्साह वो करो का लाइव चल रहा है ए लगा 191 रन 8 विकेट का।